रायपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो बता दें 20 और 21 मई को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश के नेता आज जयपुर के लिए रवाना होंगे और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चिंतन मंथन किया जाएगा और कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। चिंतन मंथन जारी रहेगा इस बैठक में। 20 और 21 तारीख को ये बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है, बीजेपी की मानी जा रही है और बड़ी बैठक ये जयपुर में होने जा रही है। 21 और 20 तारीख को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो छत्तीसगढ़ से भाजपा के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। इन दिग्गजों के नाम भी आपको बता रहे हैं, विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, पवन साय इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में शिरकत करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, विधानसभा चुनाव है आगामी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या आगे की रणनीति रहेगी बीजेपी की, क्या कार्य योजना आगे रहेगी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा फोनलाइन पर जुड़ गई हैं। आकांक्षा, हमने देखा बीते दिनों कांग्रेस का चिंतन मंथन चला उदयपुर में, अब जयपुर में बीजेपी का चिंतन मंथन चलेगा। इस बैठक में क्या कुछ जानकारी, बैठक को लेकर क्या एजेंडा रहेगा बैठक का? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग माध्यमों से बैठकें करते नजर आ रहे हैं। प्रशंसा, और उदयपुर का भी आपने जिक्र किया, जहां कांग्रेस की चिंतन फिर लगाई गई थी और इसके पश्चात अब भाजपा जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भाजपा की आयोजित की गई है। कल यानी कि 20 और 21 मई को दो दिनों की ये बैठक होगी और इन दो दिवसीय बैठक में अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा होगी। आगामी समय में चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें और उसके पश्चात लोकसभा चुनाव की बात करें, तो इन चुनावों को लेकर के चर्चा होनी है। इसके अलावा मोदी सरकार के कार्यकाल, अब इसे लेकर के आगामी समय में किस प्रकार की रणनीति बनाई जानी है और इस बीते कार्यकाल में किस प्रकार का कार्य 3 सालों में केंद्र सरकार ने किया है, इसके संबंध में भी रणनीतियां बनाते और कार्यक्रम निर्धारित करते भी वाला नेता नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से दिग्गज नेता, तमाम जो संगठन के प्रमुख पदाधिकारीगण है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके परे दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिम्मा जिन्हें दिया गया है, चाहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश की हम बात करें, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तमाम आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही अलग अलग रणनीतियां आगामी चुनाव को लेकर के भी और भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर के भी निर्धारित इस बैठक के माध्यम से होती नजर आएगी। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।